व्यूअर्स, क्या हालचाल है, क्या हाल है हमारे आप लोगों के। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फाइन होंगे और हमारी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। हम आए आप लोगों के लिए लेके आपने TRT की लेटेस्ट वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो को प्ले करें, देखें कि कैसी है वीडियो, कैसी है, उससे पहले हम आपको बताते चले अपने नाम। मुझे कहते हैं आसिया कमल और मुझे कहते हैं मिसबा कमल। जी हाँ, हमेशा की तरह हमारी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है और वो रिक्वेस्ट हम हमेशा अपने नए आने वाले व्यूअर्स से करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। ओके जी, लेट्स प्ले द वीडियो एंड वॉच एंड एंजॉय टू। यस, टैक्सी चाहिए क्या? आओ आओ गाड़ी में बैठ लो। अजी क्या हाल चाल, अरे अपनी वाली घड़ी तो है, आओ बैठो फटाफट, आओ इसमें आ जाओ भाई साहब, फुल एसी है भाई, एसी के साथ ठंडा पानी भी है इसमें, आओ तुम इस वाली में आओ यार, ठंडे पानी के साथ साथ BFO भी मिलेंगी, फुल HD क्वालिटी की। आओ यार इस वाली में बैठेंगे कार्तिक भाई, बात BFO की नहीं है, बस ये मुझे आदमी अच्छा लग रहा। अरे सुनो इन सबसे 200 रुपए कम दे दियो, आ जाओ। अरे भाई जान इसमें बैठो, 500 रुपए कम लूंगा। अरे तुम इस वाली में आओ यार, पैसे ही नहीं मांगूंगा, जो तुम दोगे वही रख लूंगा। देखो कार्तिक भाई मैं कह रहा ना, ये आदमी बढ़िया, आओ इनकी में बैठेंगे। हाँ भाई देख रहा हूँ, बताओ जी भाईजान क्या हाल चाल है। रहन दो यार, हमें कहाँ बताना चाहोगे गरीबों को, छोड़ो। अच्छा ये तो बता दो आए कहाँ से हो। रहन दो यार, कहाँ बताने दिल कर रही होगा हम गरीबों को, छोड़ो भाई। चुप माकर चोत, बोले चले यार, बोलने दे दिया तू मुझे, और तूने अभी तक ये तक का पूछा ना हमसे कहाँ जाना हमें, बस चले यार, चले यार। अबे हाँ यार, ये तो पूछा ही ना जाना कहाँ पे, मैं भी कितना बड़ा चूतिया निकला, ये रोक देता हूँ साइड में खेतों में, अभी यही बात कर लेंगे पूरी, है ना। आ जाओ जी भाईजान बाहर को आ जाओ, बातचीत करे लें। अब बताओ कहाँ जाना है तुम्हें। देखो जी भाई साहब, हम लोग हैं यहाँ पे टूरिस्ट, कंपनी की तरफ से हमें घूमने के लिए 10 दिन का पैकेज मिला था, लेकिन हमने उनसे पैकेज नहीं लिया, हम अपनी मर्जी से यहाँ घूमने आ गए। अब तुम हमें इतनी बेहतरीन बेहतरीन जगह घुमा दो यहाँ की, क्या मजा आ जाए। बहुत तेज नसीब है भाई झबरे तेरा, क्या खाया तेरी अम्मा ने जब तू पैदा हुआ तो, क्योंकि बेटे मैं भी नसीब वालों को मिलता हूँ, ऐसा नहीं मिलता हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी ड्राइवर मैं ही तो हूँ। और देखो बात और पजामा जितनी जल्दी खुल जाए इतना ही बढ़िया रहता, रोज का घुमाने का 10,000 रुपए लूंगा, टोल टैक्स पेट्रोल आपका। अब ओ, तू वहाँ पे तो यूँ कह रही है जो हम देंगे वो तू रख लेगा, वो तो मेरे मुंह से निकल गई धोखे से। साले चूतिया समझ दिया हमें, इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं यहाँ खुला के, वहाँ कुछ और कह रहा था, हम तेरी टैक्सी में जा ही न रहे अब। हाँ तो मत जाओ, जाओ यहाँ से। तो यहाँ की छोड़ लिया, जहाँ से बिठा के लाया वहाँ छोड़ के आ। अच्छा चूतिया दिख रही हूँ, 45 किलोमीटर दूर है बेटे, इतने रुपए का तेल फिर फूकू। अबे बड़ा सुअर है साले, अभी 5 किलोमीटर तो पूरा ना चला होगा, 45 किलोमीटर कर दिया तूने। झूठ ना बोलो तो 20 किलोमीटर तो है ही है। कितना भी दूर है ना, हम तेरी टैक्सी में नहीं आ रहे। चल बे चल, तू बैग निकाल, दूसरी टैक्सी करेंगे। अच्छा सुन, 8,000 रुपए दे दिए पेट्रोल टोल टैक्स तुम्हारा, अब सही है, अब भी महंगा। एक काम कर कुत्ते, तू पैदल ही जा, मैं तुझ पर तरस खा रही यार, पैदल जाकर कम रेट कर लूं, पर तू पैदल ही जाएगा, तुझे मैं भी ना लेके जाऊंगा, भाग यहां से। हाँ तो जा रहे हैं, अब तो भाग यहां से बेंचोत, भिखारी साले आ जा, टूरिस्ट सुन, 5,000 रुपए दे दिए पेट्रोल मेरा, टोल टैक्स तेरा, अब तो खुश होगा, मजा आ गया, अब तो महंगा हाथी हाथी के भोसड़े।
आया क्यों है फिर? महंगा महंगा कर रही है हर बार, आ जाओ टूरिस्ट बन के भिखारी हो सालो, भागे ऐसे पैदल जाओ। हाँ तो जा तो रहे हैं, तू ही आ जा रही है बार बार। अब तू 1,00,000 रुपए देगा ना इस गाड़ी में बैठने के, तब तुझे ना बिठाऊंगा, पैदल जा, जा ऐसे चल जा। बैठ गाड़ी के अंदर बैठ, 5,000 रुपए टोल टैक्स पेट्रोल मेरा, चुपचाप बैठ। अब इनके भोसड़े सुअर भर दूंगा, 1 घंटे नाटक कर रही है, महंगा महंगा अबे सब जगह घुमाऊंगा अभी, अब कमरा भी मैं ही दिलाऊंगा, सब काम मैं करूंगा, फिर भी बैठ बैठ रिया ना बैठ रिया बैठ बैठ, कमरा भी दिलाएंगे सालो तुम्हें, वो घुमाएंगे भी बहन चो। पहले ही दिन देखो कितनी शानदार जगह लेकर आयो, डैत ना होता वो सुहाना हो वह। अच्छा वैसे इस किले का नाम क्या है? इस किले का भूरी का किला। एक सेकंड तुम मुझे 1 सेकंड दो, यहीं रुक रही है गाड़ी, 1 सेकंड। अरे गार्ड साहब मैं कह रही हूँ ये किसका किला है यार? ये जितेंद्र साहब का किला है। अबे यार हमने तो भूरी का किला बता दिया। अबे यार ये आप सच बता देंगे, एक काम करता हूँ जान से मार देता हूँ। आओ ये भूरी का किला। यार क्या कर रहा हो यहाँ, चलते क्यों ना उधर घूम, मैं वहां ढूंढ लिया हूँ तुम्हें यार। तू ही तो क्या क्या गया, 1 सेकंड रुको अभी आ रही हूँ मैं, मेरी इतनी बात मत। अबे ड्राइवर चौकीदार तो मरा पड़ा। अबे नहीं भाई सोरिया है ये मरा हुआ थोड़ी है। अबे तू पुलिस को बुला जल्दी। भाई पुलिस को क्या बोला, अगला आदमी सोरिया उसकी नींद खराब कर रहा हो, तुम पुलिस बुला भावले हो कौन हो? अबे तो साले इसके सिर में खून भी तो निकल गया, वो देखिए जरा। खून नहीं है ये यहाँ के लोग बहुत हरामी है ना, पान खा के थूक गए होंगे इसके ऊपर, खून थोड़ी है। आओ तुम किला देखो यार, और बात है मच्छो तो। अबे ड्राइवर यार तू तो चुप चला जा रही है, इस किले के बारे में हमें कुछ बता तो सही। अच्छा ये जो किला है 500 का नोट। मेरी जान ये तो काम बढ़िया हो गया। अबे मेरी जेब में से 500 का नोट कहाँ चले गया यार, कब से ढूंढने फिर रही हूँ, यूं ही तो उदास हूँ। देखिए 500 का ये का नोट। हाँ 500 का। अबे तो मेरा ही तो है ये यहाँ गुला। साले तू तो हमारे साथ है बहुत टाइम से, तेरा कहाँ से गिर गया? मैं कल आया ना, कल गिर गया होगा। कल से तो तू हमारे साथ है। यार दे दो मुझे ही, देखियो टोल टैक्स भी मेरा ही है, पेट्रोल भी मेरा है यार। अरे ले भैया तू ही रख लिए 500 रुपए। अब तुम्हें और शानदार जगह घुमाऊंगा किले की। आओ 200 साल पुराना किला है, फिर भी चमक दमक देखो कितनी शानदार है किले की। और ये जो थी भूरी हमारी जिनका किला है, इस वाले एरिया में अपनी सहेलियों के साथ जबरदस्त डांस करती थी। आलू चाट वाला गाना सुना? आलू चाट, अबे आलू चाट गाना ना सुना? गांव की हर शादी में इस गाने की तो माचुदा है, अब भी ना समझे। आलू चाट हाँ ये सुना, ये सुना। हाँ तो इसमें जो कोरियोग्राफी करी है वो पूरी भूरी जी ने करी है। क्या कोई झाटू, जब से हमें तू मिला है तब से हमारा चूतिया काटे जा रही है, ये 200 साल पुराना किला बता रही है तू अभी, और गाना अभी का हुआ भूरी जी ने दिया। अगर दलीली निकाल लिया ना तो खुद ढूंढ ले किला और खुद घूम ले पूरे एरिया में, जा रही हूँ मैं घर को। अबे सुन ये झाड़ियाँ कैसे हिल रही है? यहाँ पे बहुत सारे बिस्कपड़े और सांप रहते हैं, नेवले भी हैं, इन्हें भगाता हूँ, रुक जाओ। ये क्या है भाई, ये कोई नई बात नहीं है, तुम दिल्ली के किले पे चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, तुम आगरा चले जाओ, आज दूसरी साइड दिखाऊं तुम्हें। ये वाला एरिया वो है जब जब राजा साहब का दुश्मनों से झगड़ा होता था तो गोलियां यहीं से चलती थी। अबे क्या ड्रामा आई, कुछ ना कह सकते यार इनसे। आओ दूसरी जगह दिखाओ।
बहुत गंदा राग कर रखा है यहाँ का यार। अब तुम्हें इस पूरे किले की सबसे खूबसूरत, तुम एक मिनट यहाँ ही रुको, बाद में दिखाऊंगा तुम्हें जगह, पहले इस मादर चोट से निपट के। कहाँ है वे आसिक, तू बाहर निकल जरा। तू रुक जरा भी, पहले इसे ही देखता हूँ। ऐसी ट्यूशन के बहाने से आई हो, भी मत दिख जाइए। आओ चल रहे कहीं और घुमा के लाऊं तुम्हें। अरे वो वाली जगह तो दिखा दे जो तू कह रही है कि बहुत खूबसूरत है। खत्म हो गई यार जगह, दिखा तो दी सबके सब जगह, वैसे ही मैंने उस पर मार फेर दी, वो पुलिस वुलिस बुला लेगा। आओ फटाफट। ओए इतना जाम क्यों लगा रखा, गाड़ी हटा बड़बड़। आगे झगड़ा हो रही है। अबे तो मैं क्या करूं, साले सबको मारूंगा अभी, गांड मार लूंगा एक एक की, जाके बता मुन्ना भाई आए टैक्सी वाले, फट जाएगी सबकी। ऐसा है दोनों दोनों पार्टी के हाथ में तलवारें बंदूकें हैं। है भाई साहब ऊपर वाले का नाम पे कुछ दे दो नकली पैसे। अब पागल हो गया क्या? अबे साले बच्चा था, 10-5 रुपए ही दे देता, तूने पूरी 100-100 के नोटों की गड्डी दे दी उसे। अरे यार भाई साहब गरीब की मदद करने से हम कोई भिखारी ना बन जाएंगे, कोई दिक्कत ना, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा कहते हैं जितनी गरीब की मदद करेगा ना इतना तेरे साथ अच्छा होगा, आप भी किया करो। चल जाम खुल गया है कुछ। मुझे लग ही रहा था तू पैसे देख कर घबरा जाएगा, तेरे ही बेटे रख ले जैसा। बहुत थोड़ी के रैप्टा मारा है, ठीक हो जाएगा, चुरन वाले नोटे हैं पकड़ ले। देख रहा यार आजकल के बच्चों की बहन के लोड़े कितने चलाक हो गए, कितनी जल्दी पहचान लिया नकली नोट। अरे भाड़ू नकली नोट देके कितनी लंबी फेंक रिया के गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये है और वो है। अबे फेंकने की बात ना, मैं सोच रहा बच्चे ही तो है, ये पहचानने का थोड़ी। जाओ बेटे पैसे नहीं है और यही थे नकली वाले, चलो जाओ। पैसे तो देगा बेटे, वरना तेरा यहीं खोपड़ा फाड़ दूंगा। दे लिया हूं चल, पैसे तो क्यों बोल रहा साले, दे लिया हूं। पीछे को तो हो ले थोड़ा सा। गाड़ी बंद हो गई और क्या हुआ? कैसे? मैं मुझे क्या पता, चुपी तो गाड़ी में बैठा हूँ, देखना पड़ेगा क्या हुआ। गाड़ी भी पुल के ऊपर बंद हुई है। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अरे भैया बहुत गर्मी हो रही है, तू इसे ठीक करा के ले आइए, हम इतने किसी से हेल्प लेके होटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ। यार यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ी न दिख रही, किससे यहाँ में? अरे वो आ तो रही है गाड़ी। अरे भाई साहब रोक लियो यार, रोक लियो, हेल्प चाहिए यार। हाँ बता। अरे यार भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई यार, थोड़ी आगे तक जाना, छोड़ दोगे क्या यार, हमारी मदद कर दो। आ बैठो फिर। अरे हो गया काम, आ जा। क्या ड्रामा कर रहा हो, कहाँ जा रहा हो, जब तुम्हारी गाड़ी सही है अच्छी खासी, तो उन्हें भाई साहब को क्यों परेशान कर रहा हो? अबे तू तो यूं कह रही है गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट ही न हो रही। खाली मूली में स्टार्ट न हो रही, कौन कह रही है खराब हो गई, नाटक बना रहा हूँ, देखियो स्टार्ट है। जब गाड़ी ठीक थी तो ये नाटक करने की जरूरत थी? इतनी गर्मी में मैं सड़वा रही यहाँ पे, और ऊपर से उससे पिटवा दिया तूने, बेइज्जती करवा रही हमारी। उस्ताद चेतने का काम नहीं है, देखो चुम्मा भी दे दिया तुम्हें मैंने, बोर होता हुआ आ रहा है चुप चुप एकदम, ये तो थोड़ी सी हंसी मजाक करी है, अब हंसी मजाक भी ना करे, इतनी गर्मी में तो ये मजाक सूझ रही है।
बैठ गाड़ी में, चल स्टार्ट करके लेके चल। समझ में ना आ रही, ज्यादा मजाक ना हो रही है यार? इस बार मजाक नहीं कर रही, ईमानदारी से हो ही ना रही यार आपके स्टार्ट का सम से। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठवा के होटल पहुंचवा रही हूँ, सही है? मैं सही करवा के ले आऊंगा। आ रही है गाड़ी सामने से, इसे रोकता हूँ मैं, सही है? तुम बैठ के चले जाइए। रोक लिया यार भाई, रोक लिया यार, एक मिनट रोक लिया। कौन हो तुम? अगर तुझे तेरी माँ ने स्कूल में ना पढ़ाया होता, मोहल्ले में घुमाया होता, छपरी बनाया होता, तो तुझे हमारी पोजीशन देख के पता चल जाता हम गुंडे हैं। इस माता चोद ने फंसवा दिया। तू कौन है रे कुत्ते, जिसने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत की? अभी बता नहीं रहा असल वजह। अगर तू ये जान लेता मैं कौन हूँ तो मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश न करता। मैं हूँ इस एरिए का कमिश्नर, शादी बर्दी में आया हूँ जायजा लेने अपने एरिए का। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना इनकाउंटर कर दूँ। कमिश्नर डीके भत्रा? हाँ वही हूँ मैं। जिसने अभी एक बदमाश का एनकाउंटर किया है? हाँ अब पहचाना तूने, देखा कितना खतरनाक हूँ मैं। तुझे पता है वो कौन था? कौन था? होगा कोई, मैं करता रहता हूँ ऐसे एनकाउंटर। मेरा भाई सरकार मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कमिश्नर रहा हूँ, ये तो अपने बचाव में कह दिया, मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ। हाँ भाई सही कह रही है, ये पकड़ना भी इसे पकड़ो, हम तो टूरिस्ट हैं, घूमने आए थे क्यों यहाँ पे हम? भाई ये साले अपने साथ गेम खेलने हैं, इन्होंने अपने भाई को मारा है, इन्हें अड्डे पे लेकर चलो और इन्हें वहाँ खतरनाक मौत देंगे। डाल सबको गाड़ी में। अरे तुम टेंशन मत लो यार, कोई दिक्कत की बात ना है, मैंने फंसाया ना मैं ही निकालूंगा। ये जो डाकू है ना, ये गलत फहमी है हम पुलिस वाले, इस चक्कर में तो मैं यहाँ को लिया है। अभी बात क्लियर कर दूंगा इनसे जाके कि भैया पुलिस वाले ना है, पता निकाल लो, ये हमें छोड़ देंगे, तुम अपने घर जाइए, मैं अपने टैक्सी संभालूंगा, काहे की टेंशन लेनी। और सुनो, डाकू भले आदमी है, मैंने जज कर लिया इन्हें। कैसे कैसे? एक भी डाकू ने अभी तक मारा ना, वरना डाकू तोड़ा है कुछ देर। ये बात सही कह रही है। चलो तुमने मेरे भाई का एनकाउंटर करा था ना, ये तो अच्छा बेटे अब भी बच गए हम, वरना डाकू बेल्टों से फेरे हैं, बेल्टों से, इन्होंने तो लातों घूसे से ही मारा, बचे पड़े हैं अभी। हाँ ये भी सही कह रहा हो वैसे तो।
मत दो इन कुत्तों को खाने को, सड़ने दो ऐसे ही। चुप भोसड़ी के, जवान से एक शब्द मत निकाल दिए, जो तू बोल लिया ना वो सच हो रहा काली जवान की। हाँ सही कह रही है ये, तू अपनी जवान मत निकाले बिल्कुल भी साला कुत्ता। अरे अब क्या ऐसा कुछ ना कह रही है यार, मैं तो पिट रही हूँ तुम्हारे साथ साथ, बार बार थोड़ी पिट करूँगा, दुख रही पूरा बदन, पर मैं कह रही हूँ इस पिटने में भी फायदा हो गया अपना, अकेला मार रिया, वरना मैंने सुना गुंडों की पूरी गैंग मारे गैंग। गुंडी लगा ले सैया, यार एक बात कहूँ यार, देखिए मुझसे रुका ना जा रही है यार, कह दूँ देखिए मेरे पीछे 30,000 रुपए पड़े होंगे। ये वाली बात सच नहीं था, मैं कहीं मार वाली होती है भोसड़ी की, ये वाली बात सच ना हुई कितने की हो रही है हर बार। उन तीनों को बाहर तो निकाल के ला जरा। वैसे एक बात हाँ चलो बे, वो रजनी चल बे, उन तीनों को बाहर तो निकाल के ला जरा। हाँ बताओ। चलो बे वो रखें कपड़े, उन्हें पहनो और नाच गाना करो, मेरा मनोरंजन करो। ए यार अब यही काम रह गया नाच गाना, हमसे थोड़ी आवे नाच गाना, मेरे उसकी बात ना है। जा बाहर देख का कोई है तो नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी यार मैं सोने के मूड में हूँ, अभी मेरा बात करने का मन नहीं है, तो शाम को फिर करते हैं। तेरी तो बताओ जी भाईजान क्या बात।
मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम्हें नाजायज फंसाया गया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काली सूढ़ी हमारी मदद करेगा, पहले अपनी तो मदद कर ले। तू तो खुद चमचा सरदार वो है मोटा वाला, तू साले चमचा चमचा ही बनकर रह ले। रोटियां तक तो तुम्हें हाथ ना आ रही, कई दिन से देख रही हूँ मैं। बस रड़ी का जाए यहाँ से, अभी मदद करेंगे भाड़ो। अबे पूछ तो ले, क्या पता मदद करी दे। वैसे तू हमारी मदद क्यों करना चाहता? मैं गुंडा नहीं था, मैं मजबूरी में गुंडा बना हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ। चाहे इस नेक काम में मेरी जान क्यों चली जाए, तुम्हें यहाँ से आजाद करवा के ही रहूँगा। देख रही है यार कितने बड़े आदमी है, और मैंने काली किनार भी कह दिया इन्हें, और ये हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है यार। कितने मादर चोद है यार, अब मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। यार कितने बड़े आदमी हो तुम भाई साहब, यार मुझे अफसोस है यार, मैंने तुम्हें काली किनार कहा कसम से, माफी चाहूंगा यार भाई साहब, पर तुम हमें यहाँ से निकालोगे कैसे? मैंने पीछे गेट खोल दिया है, मैं साइड में आकर बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा, मेरी पूरी गैंग बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ भागेगी, आप पीछे गेट से निकल जाना। ठीक है भाई साहब ठीक है, आज तुम्हें देख के मुझे मेरी माँ की याद आ गई, बहुत बड़े आदमी हो। हाँ चल ठीक है, ज्यादा उदास मत हो, बॉम्ब फटने की आवाज़ आई यहाँ से निकल जाना। हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक फरिश्ता भेजा हमारी जान बचाने के लिए। चल बे चल, आज कपड़े तू धोगा। अबे चल बे, ये मेरे काम ना कपड़े सपड़ों के, अपने आप धो कपड़े। तेरे काम ना, हाँ तेरी अम्मा धोती होंगी ना कपड़े, जब बुला के ला वो धोंगी कपड़े। अबे ओ होस में बात कर ले, जब कपड़े धोले कपड़े। ऐसा है ओदे में तुझसे मैं बड़ा हूँ, मैं दूंगा तुझे ऑर्डर, धो चल चुपचाप कपड़े। अबे ओ ओदे में तू बड़ा होगा, लंबाई में तुझसे मैं बड़ा हूँ, घर बुलाओ मैं दूंगा कपड़े। अब भी शर्म ना रही, सरदार कपड़े धोरियो। हेलो ओके आई एम कमिंग योर प्लेस। चलो मैंने कहा था ना भाई ये भागने की पूरी कोशिश करेंगे। अबे कितना सुअर है बहन के भोसड़े, ये मजाक मत करे, कसम से इसने हमें प्लान बताया पूरा, दरवाजा खुला मिलेगा और ऐसे भाग जियो और पैसे भाग जियो, ये नाटक मत करे साली काली किनाड़ी है तू। देख लो भाई कैसे भड़का रही है मेरे खिलाफ ये साले, मुझे मेरी गैंग के खिलाफ भड़काता है और मेरी कैद से भागने की कोशिश कर रहा है, ये पुलिस वाली चाल मेरे साथ मत चल। यार सरदार यकीन कर लो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ये दोनों टूरिस्ट है मेरी टैक्सी में, यार पुलिस वाले ना आए हम। यार समझ क्या ना दे रहे हैं भाई, मैं तेज हो गया हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा देना। सज्जाद एक्सपोर्टर के लड़के को उठा के लेकर उससे पैसे लेने हैं। सज्जाद एक्सपोर्टर,
अब वो तो राजू बदमाश के एरिया में आता है, जिससे हम पिट के आए थे, देखा ना कितना बुरा मारा। अगर उसे पता चले मैं उसके एरिया में हूँ तो वो तो बीच चौराहे में नंगा करके मारेगा मुझे। अरे इसी डर के चक्कर में तो मैं ना जा रहा, तू टेंशन मत ले, तू हिम्मत रख, तू जा, कुछ ना होगा आपके। मैं ना जाने वाला, चाहे नौकरी से निकाल दो अभी। साले डरपोक। अच्छा सुन, मैं इसे पोलार्ड को बुलाता हूँ, इससे बोलूंगा सज्जाद के लौंडे को उठाना, ये काम कर भी लेगा या नहीं। तू एकदम कहना नहीं भाई, इसे मत भेजो, इसके बस की नहीं है। फिर वो तैस मार के कहेगा कि भाई मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है, वो चला जाएगा और हम दोनों बच भी जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये सही है। पोलार्ड यहाँ गुआ। सज्जाद के लौंडे को उठा के लाना, ये काम कर लेगा। अरे भाई इसे कहाँ भेज रहे हो, इसके बस की है, ये बच्चा है भाई, अभी हम करेंगे ये काम। हाँ भाई सही कह रही है, मैं बच्चा ही हूँ, मेरे बस की ना ये काम, इसे ही भेजो। हाँ भाई तू ज्यादा जिद कर रहा, तू ही जा। ए भाई ये तो अपनी प्लानिंग थी यार। अरे ना तू ही जा। आ, मैं ना जाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूँ। और तू साले झांटू, तुझमें हिम्मत ना, काय का गुंडा है तू। अबे तो तुझमें भी तो हिम्मत ना है, तू भी तो ना गया, तू चला जा। मैं चुप हूँ। हेलो, उन तीन कैदियों को लेकर आओ, उन्हें भेजेंगे। सुनो बे, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें मेरे भांजे को लेके आना है। मैं अपने भांजे के घर जा नहीं सकता क्योंकि मेरी बहन से मेरी बनती नहीं है, और मुझे बहुत दिल कर रहा है अपने भांजे को प्यार करने का, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ और उसे लेके आओ। वही वही, ये तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया भांजे का। ठीक है, हम आपके भांजे को ले आएंगे। क्या नाम है आपके उनका, बहनोई का, भांजे के अब्बा का? सज्जाद एक्सपोर्टर नाम है। ठीक है, अभी लाता हूँ, दो मिनट के अंदर अंदर। वो साले अपना आप कुछ ज्यादा चलाक समझ लिया, भागने की पूरी प्लानिंग बना ली। जितने चलाक तुम हो उससे ज्यादा चलाक मैं हूँ। ये पकड़ मेरी कार लेके जा, अब तुम भाग ही नहीं सकते। अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दूंगा कार चोरी की। शिट यार, मैंने पूरा प्लान बना लिया था भागने का यार, लेकिन साले ने चलाकी खेल दी, चाबी दे दी, चोरी का इल्जाम लगा दिया। अगर भागे तो एक काम करते हैं, इनकी चाबी यहीं फेंको और भाग लगा दो सीधी। आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हमें तो बहुत मजे की वीडियो लगी, बड़ी मजे की वीडियो थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ में मुझे कहना पड़ा है, एक तो इनके गैंग में कोई लड़की नाम की चीज नहीं है, चलो अच्छी बात है नहीं है, लेकिन खुदा के लिए वो जो लड़की बनानी होती है ना, उसके इतनी खूबसूरत खूबसूरत विग है बाजार में पड़ी है, कोई विग तो अच्छी ले लिया करो, 10-5 रुपए वाली विग खरीद लेते। और लड़की भी चला देते हैं, भूत फिर रहा है किला, एक तो किला ऊपर से ऐसा था, ऊपर से मुझे लगा ये जैसे जैसे भूत है, वो डर ही लगना शुरू हो गया। और फिर जहाँ पे इनको डांस कराने के लिए बेचारों को क्या हो गया, बना दिया था वहाँ पे। तो उसके बाद एंड पे क्या हुआ कि भाग इतने बेवकूफ थे कि वहाँ से भागने के लिए भी चाबी वहाँ भी फेंक जाते, भी एक दफ़ा निकलो तो सही, रास्ते में गाड़ी छोड़ जाइएगा, जीप छोड़ जाइएगा, भाग जाइएगा, बाद में थोड़ी दूर जीप छोड़ जाइएगा, सेंस नाम की चीज़ ही नहीं। और उनको सेंस होती तो हंसी कैसे आती। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फनी बनाई हुई थी। और मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा हंसी आई जब वो कहता है कि ये गैंग नहीं है, वरना गैंग जो होते हैं ना, गुंडे जो होते हैं वो तो मारते हैं, बड़ी पिटाई करते हैं, और तभी वो मारने आते हैं। फिर वो कहते हैं ये सही वाले नहीं है, जो सही वाले होते हैं वो तो बेल्टों से मारते हैं, बेल्टों से मारने आ जाते हैं। अच्छे गुंडे हैं नहीं, वरना ये तो ये हाँ, वरना तो सब मैंने सुना है पूरे का पूरा गैंग इकट्ठा मारता है वो, फिर पूरे का पूरा गैंग से इकट्ठा मारने लगता है, कहता है अब तुम बोलना सही, काली जबान वाले बोलना नहीं है। आपको क्या लगता है ये यहाँ से भाग के निकल जाएंगे या फिर ये गैंग समेत ये भी जिस गुंडे के एरिया से वो लड़का उठाना था उनके एरिया में फंस जाएंगे सारे? मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है बहुत ज्यादा फनी।
दी हमें बहुत ज्यादा बहुत मजे के लिए आए तो बेचारे घूमने थे लेकिन मजा आता है वैसे कभी कभी ऐसे एरिया तो बहुत अच्छा था घूमने वाला ही था पर ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो मार खा रहे थे। ओके जी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और वो वहाँ से भाग कर निकल सकते हैं या नहीं ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।